हेलो देयर, इट्स खुशी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के सबको क्लियर हो गया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव। ये सूरत से अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, बट शायद रोड इतने अच्छे से मेंटेन नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में। हम ये एक गुप्त तीर्थ है जो अभी तक मतलब है अच्छे से मेंटेन नहीं है। क्यों आप लोग पूरा वीडियो में देखो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी सब डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो में देती रहूँगी बीच बीच में। अभी वी आर ऑलरेडी लेट, हमें सुबह 6 बजे निकलना था और 7:30 हो चुकी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो। अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक चुके हैं। नाश्ते को छोड़ो, मैं आप लोग सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अभी तक का ब्लॉग जितना भी आप लोग ने देखा, ये देख के तो क्लियर हो गया होगा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वैन में। अरे यार, बालों की हालत ठीक है। तो एक बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी आज। हम लोग कर रहे ट्रैवल, अचानक से डाइवर्जन आया, गाड़ी इधर जाके इधर आई एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हुई। लेट मी शो यू ऑल। ये हमारी वैन है, आप लोग सबको पता है यहाँ पे कांच होता है। डिंग डिंग, वो कांच टूट गया। पता नहीं इतना तो क्या ही प्रेशर आ गया था उस कांच पे कि क्या हुआ, अचानक से वो कांच पूरा विथ सराउंडिंग जो उसके बाइंडिंग रहती है ब्लैक कलर के रबर से, उसके साथ पूरा का पूरा निकल के बाहर गिर गया। इतना अच्छा लग था कि किसी को लगी नहीं, कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी दैट वॉज शॉकिंग। इट्स 12:30 और हम लोग अभी संतपेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर शाम तक पूरा पानी के अंदर होता है, तो यहाँ पे दर्शन शाम को बंद हो जाता है। हर रोज़ ही पानी आता है, पर अमावस के दिन दर्शन पूरे बंद रहते हैं क्योंकि उस दिन हाई टाइड होती है। पानी मंदिर हमेशा पानी के अंदर ही होता है। आस पास पूरा समंदर है एंड देन बीच में मंदिर है।
मंदिर अभी तक पूरा बना नहीं है, यहाँ पे अभी भी काम चालू है। ऐसा माना जाता है कि अमावस के दिन समुंदर का पूरा पानी शिवलिंग पे अपने आप आ जाता है। उस दिन यहाँ पे दर्शन बंद रहता है क्योंकि शिवलिंग दिखता ही नहीं है बिल्कुल। एज यू ऑल कैन सी, ये मंदिर है और ये समुंदर। कल ही अमावस है और ये पूरा पूरा पानी शिवलिंग पे आ जाता है। अभी तक ये मंदिर पूरा बना तक नहीं है। सुकून आज ना यहाँ पे ज्यादा भीड़ है ना और कुछ। पूरा मंदिर, ये रहा पानी, यहाँ से पूरा पानी वहां तक जाता है अमावस के दिन। बिल्कुल भी ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत मजा आ रही है। धूप है बट हवा भी बहुत है तो गर्मी भी नहीं लग रही। हेलो, हमारे साथ भगवान भी साक्षात आए हैं। बीच पे हॉर्स एक्टिविटीज भी है, वहाँ पे सिर्फ लाइन से खाने के स्टॉल्स है। इट्स 3 राइट नाउ। एक्चुअली अमावस का टाइम हो गया है तो यहाँ पे हाई टाइड चालू हो चुकी है। एज यू ऑल कैन सी, पहले यहाँ पे इतना पानी नहीं था, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया और अब ये प्लेस क्राउडेड भी है। येरा मंदिर और पानी ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है। इट्स 3:10 ओनली, 10 मिनट में पानी इतना आगे आ गया। हम लोग जहाँ जहाँ गए थे आगे तक वो तब दिख भी नहीं रहा लोकेशन ही। कितना ज़्यादा पानी हो गया है, हम आए थे तब ये बीच लग भी नहीं रहा था, समंदर का किनारा लग भी नहीं रहा था। नाउ लुक एट दिस, भीड़ भी उतनी डबल हो गई है। मंदिर के एकदम पास पानी आ चुका है इन जस्ट 20 मिनट्स। हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे लोगों को शाम को रहना अलाउड भी नहीं है, शाम को दर्शन बंद हो ही जाते हैं। और हम लोग को सेम डे ही सूरत रिटर्न आना था तो हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे। ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि पानी का फ्लो रोज़ ही रहता है वहाँ पे, सीमेंट हमेशा गीली ही रहती है तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। द डे वॉज वेरी मच फन। अगर आप लोग को मंदिर विजिट करना पसंद है तो ये मंदिर तो यू मस्ट विजिट, बहुत मज़ा आएगा। बट थोड़ा सा टाइम लेके जाना, आई नो वो मंदिर अभी तक पूरा बना नहीं है और सालों से वो इसी पोजिशन में है,
बट वो प्लेस बहुत अच्छी है। वहाँ पे ना ज़्यादा क्राउड रहता है बट बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब वहाँ पे शांति भी है, वहाँ पे वो वेव्स धीरे धीरे वो पानी का बढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेचर के अगर आप लोग क्लोज हो तो यू मस्ट विजिट, भगवान में अगर आप लोग का मन है, आप लोग को अच्छा लगता है तो यू मस्ट विजिट दिस मंदिर। दर्शन भी आराम से होते हैं, फोटो वीडियो का भी नाटक नहीं, सब अलाउड है। एंड मेन तो बस वो लहरों को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखना, तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था, बहुत सही एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। हाई टाइड ऑब्जर्व किए पहले बट इतने अच्छे से नहीं की कभी भी, और हो सके तो अमावस के पास ही आप लोग विजिट करने का ट्राई करना, या अमावस या पूनम, तब हाई टाइड ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। एंड मेरे को पता है ये एंगल गलत है क्योंकि पूरे दिन में मेरा फ़ोन ऑलरेडी शाम तक मैंने स्विच ऑफ कर दिया था, उसके बाद मैंने कैसे तैसे ऑन कर करके थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की है। सो आई होप आप लोग सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।